Tesla Model S car नमस्ते चीज़ी चीज़ी और हेलो आई होप ठीक ठाक है हम लोग बिल्कुल फिट फाड़ मजे में है बड़े दिनों से गाड़ियों के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया था और जैसे कि आप सबको पता है कि ईवीज़ यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इज द फ्यूचर और ये uh, सिर्फ माहौल के लिए भी मतलब ये जो एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत बेहतरीन है पोल्यूशन नहीं होगी पोल्यूशन बिल्कुल हाँ। मतलब काफी उसमें ये रोल प्ले करेगी कम करने में खत्म मतलब हो जाएगा क्योंकि ईवी तो उसमें तो पोल्यूशन हाँ। तो का चांस ही नहीं है तो ईवी की जब बात करता हूँ तो टेस्ला मेरे जेन में आती है और टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि टेस्ला एक ऐसी कार है यार कि मतलब आ, एक ड्रीम है और टेस्ला इंडिया में तो है बट आई डोंट नो कि ऑफिशियली है कि नहीं है लेकिन कुछ ऐसे ओनर्स इंडिया में जो कि टेस्ला को ओन करते हैं इस वीडियो में हमें उनके बारे में पता चलेगा और इंडिया सोनिक चैनल का नाम है और इनसे परमिशन हमने ली थी कि हम इनके कंटेंट पर रिएक्शन दे, दे सकें और ही वाज वेरी काइंड उन्होंने परमिशन दे दी थी तो इनके चैनल का नाम वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर इनको सब्सक्राइब करें और इनका कॉन्टेंट चेक करें इस वीडियो को देखने के बाद हम करेंगे डिस्कशन और स्टे व वेलकम बैक टू द चैनल इंडिया सोनिक आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया के फेमस लोग या सेलिब्रिटीज जो टेस्ला की कार नहीं है पर जल्दी आने वाली है यहाँ तक कि कंपनी ने अपना नाम इंडिया में रजिस्टर भी करवा दिया है और यहाँ पर उनका पहला शोरूम होने वाला है बेंगलुरु के लवेल रोड पर इसी बिल्डिंग में लेक्सस कार कंपनी का भी एक शोरूम है इंडिया में टेस्ला की पहली कार टेस्ला मॉडल थ्री या फिर मॉडल वाई होने वाली है जो जल्द ही मार्च 2021 में आ सकती है लुक इन दोनों में से टेस्ला कौन सी कार पहले लॉन्च करेगी वो अभी तक कंफर्म नहीं है पर दोनों ही गाड़ियाँ इसी साल में आ जाएंगी मॉडल थ्री एक सेडान है और मॉडल वाई एक क्रॉसओवर एसयूवी। उसके बाद टेस्ला मॉडल एस जो कि एक लग्जरी सेडान है वो आएगी साल के बीच में फिर कंपनी की मॉडल एक्स एस भी लॉन्च होगी लेट 2021 या फिर अर्ली 2022 में ये कार्स फॉरेन से इंपोर्ट करवाई जाएंगी तो इनकी प्राइजेस ओरिजिनल प्राइस से काफी ज्यादा रहने वाली है फॉर एग्जांपल अमेरिका में टेस्ला मॉडल थ्री की प्राइस 38,000 यूएस डॉलर्स यानी 27.5 लाख इंडियन रुपई से स्टार्ट होती है और 55000 यूएस डॉलर्स यानी 39 लाख इंडियन रुपई तक जाती है पर यह कार जब इंडिया में लॉन्च होगी तो इंपोर्ट टैक्सेस की वजह से अराउंड 70 टू तो 75 लाख इंडियन रुपई के आसपास आने वाली है इधर आ जाए तो करोड़ों से ऊपर तो चलिए अब हम लिस्ट शुरू करते पहले हम देखेंगे इंडिया की पहली टेस्ला कार जो थी टेस्ला मॉडल एक्स ये कार प्रशांत रूइया ओन करते हैं जो एस कंपनी के सी ले सकते हैं। टेस्ला के ऑफिशियल एंट्री से काफी पहले ही इन्होंने अपनी कार इंपोर्ट करवा ली थी 2017 में। अच्छा। कार की प्राइस 2 करोड़ इंडियन रुपीस है इंक्लूडिंग टैक्सेस यही कार यूएसए में 60 लाख इंडियन रुपीस से स्टार्ट होती है इसमें सेवन सीट्स और फैल्कन डोर्स मिल जाते हैं जो कुछ इस तरह ऊपर की ओर खोलते हैं पसंद काफी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है 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 ये जो मिनिमल इंटीरियर्स के साथ इस इस सारा स्क्रीन से कंट्रोल होता है। भी भी। अब हम देखेंगे टेस्ला मॉडल है। है है अब ये कार इंडिया में नहीं बल्कि कैलिफोर्निया में परचेज की गई है और एक्टर वहीं पर चलाती है जब भी विजिट करती है इंडियन रुपीस है कैलिफोर्निया में

हम इंडिया तो की डेस्टला तो मॉडल एस देखेंगे जो बिलोंग करती है मुकेश अंबानी को ये पूरा इंडिया में सिर्फ एक ही डेस्ला मॉडल एस है इंडिया अंबानीज ने ये कार 2019 में इंपोर्ट करवाई थी और वो भी अमेरिका से सेकेंड हैंड परचेज करके अच्छा अब सेकेंड हैंड कार लेने का रीज़न तो मुझे पता नहीं पर मुकेश अंबानी पहले इंडियन थे जिनके पास टेस्ला मॉडल एस कार की। कर सकते हैं इसकी प्राइस अराउंड 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज है इंक्लूडिंग टैक्सेस इसके अलावा इंडिया में सात से आठ टेस्ला की कार्स है उनमें से उन मोस्टली सारी कार्स मॉडल एक्स एसयूवी है क्योंकि इंडियंस को एसयूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो चलिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी टेस्ला की कार सबसे ज्यादा पसंद आई सारी हमें तो टेस्ला वीडियो पसंद अच्छी है कोई लगी भी दे दो। तो लाइक और सब्सक्राइब <laughs> जरूर करना। अच्छा दोस्तों ये 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 वीडियो बनाई गई थी फरवरी में और इन्होंने बोला था कि एक साल बाद टेस्ला यहाँ आ रही है बट एज फार एज माई इंफॉर्मेशन मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि ईलॉन मस्क ने बोला कि अभी फिलहाल टेस्ला इंडिया नहीं आ सकती अब आप इसको करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो पता नहीं क्या उन्होंने कुछ बोला था ड्यूटीज का टैक्सेस का काफी सीन था इस तरह का बहरहाल यार टेस्ला एक ड्रीम है हाँ जो कि मेरी ड्रीम कार है जिसके यू डोर्स ऊपर से नहीं हाँ। खुलते हैं लाइक बहुत डोर्स खुले ना खुले यार अगर आप इसके अंदर बैठ जाएं फीचर्स इसके, इसके जो फीचर्स हैं हाँ। मतलब है कि आप समझे वो जो स्क्रीन लगी हुई है ना वहाँ पे वो आप उसको इंजॉय करेंगे और ईवीज जो होती है ना यार वो लिटरली उड़ती हैं मोटर्स लगी होती हैं ना कोई आवाज ना कोई मेंटेनेंस ना कुछ और दूसरी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर जितनी इंडिया में पाई जा रही हैं वो सब उन्होंने इंडियंस ने रखी हुई है बाहर के लोग में क्योंकि वहाँ लेनाफोर्निया में रखी है वो वहाँ लेना आसान है और वहाँ चप्पे चप्पे पे आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे इंडिया में या पाकिस्तान में बहुत कम चार्जिंग स्टेशन बताया कि जो पे अगर की है तो यहाँ पर आके इंडिया में टैक्सेस की वजह लगा लगा के ना सोचो अगर इंडिया में दो करोड़ की यहाँ चार करोड़ में पड़ेगी हमको जो सिर्फ मुकेश अम्बानी है मुकेश अम्बानी वाहिद है वो कह रहे हैं कि मुझे ताजुब ही हो रहा है कि उन्होंने सेकंड हैंड है। तो क्यों मतलब जीरो मीटर भी कर सकते थे सेकंड हैंड भी उनको करोड़ की, की पड़ी है। तो उनकी इंडिया में है लेकिन वो खैर घर पे चार्जर आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि फास्ट चार्ज कर सकता है और इंडिया में है जगह जगह पे चार्जेस लेकिन अभी बहुत ज्यादा इस चार्जेस को जिस तरह बाहर के मुल्क में हर जगह पे आपको गैस uh, स्टेशन के साथ साथ चार्जेस भी मिलते हैं तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा आप लोग आई थिंक अभी एक लिमिट तक आप चला सकते हैं हाँ। जब तक तो प्रॉपर कुछ सेटअप नहीं होता मैं ख़ुद ईवी का बड़ा शौक रखता हूँ इनफैक्ट पागल हूँ ईवी के पीछे एम की जेड एस हो गई या टेस्ला तो टेस्ला तो एक ड्रीम है वो, वो भी ट्रू ड्रीम ट्रू हो जाए तो क्या ही बात है तो आप लोग बताएं आपको ई का शौक़ है कि नहीं और इस वीडियो में जो इन्फॉमेशन थी उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं कि टेस्ला कब आ रही है इंडिया एंड में भाई ने पूछा था क्या आप बताएँ कि इन टेस्ला में से आपको कौन सी पहुँची मैं तो जवाब है कि सारी बहुत मॉडल एस बहुत अच्छी है फिर एस यू बीस अच्छी होती हैं सेडान भी अच्छी होती हैं मॉडल एस प्लेड अब आ गया है बाहर तो बेहतरीन है यार गाड़ी मैं तो कह रहा हूँ भाई टेस्ला होनी चाहिए कोई भी टेस्ला दे दो अगर गिफ्ट कर रहे हो तो बस टेस्ला दे दो तो खैर आप बताएं आप अगर ओनर हैं किसी ईवी के तो जरूर मुझे बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस है आपका एंड uh, और भी कुछ ऐड करना चाहिए आप पाकिस्तान में भी लोगों के पास है, तो खैर uh, पाकिस्तान में भी सिर्फ चंद लोगों के पास है, फैसला हाँ। या इस्लामाबाद में कहीं ना कहीं देखी जाती है लेकिन फिर मसला वही आ जाता है कि चार्जिंग खैर आप चार्जिंग स्टेशन यहाँ भी लगना शुरू हो गए और फ्यूचर इज ईवी एंड थैंक यू सो मच काफी